सुल्तानपुर से बरेली की ओर जाने वाली महादेव कंपनी की बस ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर दो लोग सवार थे जिसमें एक महिला और एक युवक था। बस की टक्कर होने के बाद बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से बाल बाल बची। रोड से नीचे उतरकर नाले में गिरने से एक बड़ी घटना घट सकती थी, कई यात्री और गंभीर चोटें या जान भी जा सकती थी। परंतु एक बड़ी घटना टली, वही सूचना मिलते ही थाना सुल्तानपुर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर महिला और युवक को गंभीर चोटें आने के कारण सुल्तानपुर अस्पताल उपचार के लिए भेजा। सुल्तानपुर से वीके जोशी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत की धर्मपत्नी को जिताने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी द्वारा चुनावी आम सभा का आरंभ करते हुए हल्दीवाड़ी शनिश्चरी बाजार में इसकी शुरुआत क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार की नीति और उनके किए गए वादों के बारे में जनता को सावधान रहने और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए अपनी अपनी बातें रखी। छत्तीसगढ़ से आर स्टीवन की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन 2019 में स्वीप अभियान अंतर्गत मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न स्तरों पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को तुकोजीराव पवार स्टेडियम से दो पहिया वाहन रैली निकाली गई। रैली को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत पांडे एवं सीईओ जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी स्वीप द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर पांडे द्वारा मतदान की शपथ भी दिलाई गई। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। पुलिस ने नकली नोट बनाकर उसे बाजार में चलाने वाले गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य 50, 100 और 200 रुपए के नकली नोट छापकर बाजार में चलाते थे। गिरोह से पुलिस ने 182,100 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने इनके पास से 1600 रुपए के असली नोट भी जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया है। कोतवाली एवं क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा नकली नोट बनाने, बेचने और मार्केट में चलाने वाले गिरोह को पकड़ा है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। इन दिनों सभी जगह गणगौर पर्व की धूम चल रही है। इसी के चलते रेहटगांव उमरदा में गणगौर पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिन में महिलाएं पाती खेलने जाती है और रात्रि में दूर दूर से मंडली आती है। मंडलियों द्वारा झालरे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नाटक की प्रस्तुति भी दी जाती है। सभी मंडलियां विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में आते हैं। टिमरनी से राम कुशवाहा की रिपोर्ट। मंगलवार को लगातार तीसरे दिन महाकाल क्षेत्र में नगर निगम की अतिक्रमण टीम पहुंची। सुबह सुबह पहुंची टीम ने विरोध के बावजूद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिए। इसके बाद टीम से चर्चा के बाद अतिक्रमणकारियों ने स्वयं कब्जे हटाना शुरू कर दिए। बता दें कि महाकाल क्षेत्र को कब्जा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत महाकाल के आसपास अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। साहब के निर्देश अनुसार तीन दिन पहले भी इस तरीके की कार्रवाई करी गई थी। इन्हें 3 दिन का समय दिया गया था, जिसके उपरांत आज हम यहाँ फिर कार्रवाई के लिए पहुँचे हैं। अभी दुकानदार स्वेच्छा से अपनी सामान जो है हटा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय हम सब कर जाएंगे। मैम, कितने फीट आगे इन्हें अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने? 25 से 30 फीट इन्होंने आगे कर रखा था, जो कि 90% हम लोगों ने क्लियर किया है। इसको महाकाल मंदिर के परिसर के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए। श्री वैष्णवी मंडल सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष अमृतलाल साहू, उपाध्यक्ष गोपाल जानी, घोड़ी घाट कोषाध्यक्ष अशोक खिलरी, सचिव राम खेलवान श्याग ने जानकारी देते हुए बताया है कि वैष्णवी मंडल खातेगांव के अध्यक्ष बालाराम जी साहू, उपाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद सारण, सचिव राजेश पवार के निर्देश में भगवान जमेश्वर जी की असीम कृपा से 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंतर्गत 21 अप्रैल रविवार को डोरा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक जमेश्वर मंदिर खातेगांव में एवं 25 अप्रैल गुरुवार सुबह 7:30 से 10 बजे तक हवन एवं 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रीति भोज, तोरण, छड़ी, बारात, स्वागत दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। कितने जोड़े की पंजीयन हो चुका अभी तक? 14 जोड़े का। इस कार्यक्रम में कहां कहां के लोग पधारते हैं? इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश। अच्छा, किस प्रकार के आयोजन की तैयारी चल रही है? बड़नगर लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराए जाने हेतु प्रशासन मुस्तैद है तथा चुनाव में अवैध रूप से शराब व रुपए का अवैध परिवहन करने पर सख्त से कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते बड़नगर पुलिस एवं एसएसटी टीम की संयुक्त कार्यवाही में अवैध रूप से लाई जा रही 40 पेटी बियर को चेकिंग के दौरान जब्त किया। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बड़नगर थाने के सीमावर्ती क्षेत्र है डोलाना, वहां पर एसएसटी टीम एवं थाना बड़नगर की टीम के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। कल दिनांक 1/4/19 को रात्रि 9 बजे एक वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी,
और उसका चालक जो है उतर करके भागा, जिस पर शंका होने पर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 40 पेटी बियर विभिन्न ब्रांड की मिली है, जिसको कि अवैध होने की वजह से जब्त किया एवं बोलेरो वाहन को भी जब्ती में लिया गया।